रामू एक गरीब किसान था जो बड़ी मुश्किल से अपना घर चलाता था। रामू की चार बेटियां थी जिससे उसे बेहद प्यार था, पर एक बाप बेटी के प्यार को समाज को कैसे समझा पाता। उनके लिए तो बेटियां बोझ से ज्यादा कुछ नहीं होती। एक दिन जब सुबह सुबह रामू खेत में हल जोतने जा रहा होता है, सविता उसे रोकते हुए कहती है, कहाँ चल दिए रामू? खेत जा रहा हूँ काकी। बाहर की खेती तो तुम फिर भी संभाल लोगे, अपने घर की खेती पर भी ध्यान दे दो जरा। बेटियां जवान हो गई है तुम्हारी, अगर अभी हाथ पीले नहीं हुए तो बाद में कोई लेकर भी नहीं जाएगा। इतने भी कोई बड़ी नहीं हुए मेरी बेटियां काकी, सबसे बड़ी तो अभी 22 साल की हुई है। तो किस दिन का इंतजार कर रहा है तू कि ये कुछ ऐसा कर दे जिससे तेरी बाकी तीनों बेटियां भी कंवारी रह जाए? अरे बड़ी नाजुक उम्र होती है ये, इसमें अपनी बेटी को उसके घर पहुंचा देना ही अच्छा होता है। ये सब क्या कह रही हैं आप काकी? मैंने दुनिया देखी है बेटा, ऐसे ही कुछ भी नहीं कह रही। तुझे मानना है तो मान, वरना बुढ़िया सठिया गई ऐसा कुछ भी कह सकता है तू, हैं? ये सोचकर बात को भूल जाना। ये पहली बार नहीं था कि रामू को अपनी बेटियों के लिए ऐसे शब्द सुनने पड़ रहे थे। हर रोज उसे कोई ना कोई ऐसी बात कह दिया करता था। सरिता की बात को नजरअंदाज कर रामू खेत पर काम करने पहुंच जाता है। काम करते करते दोपहर हो जाती है। उसे दोपहर का खाना देने के लिए उसकी बेटी सुकन्या वहाँ आती है। दिन भर काम ही करते रहोगे क्या बाबूजी? अब बैठ भी जाओ, अब खाना खाई, तब तक मैं खेत की सिंचाई कर देती हूँ। रामू पेड़ की छाया में खाना खा रहा होता है और सुकन्या खेत की सिंचाई कर रही होती है। तभी वहाँ से पास का जमींदार रिक्शा में गुजरता है। ये लड़के किसकी है मुनो? ये तो सुकन्या है, रामू की बेटी। शादी की उम्र हो चुकी है पर न जाने इसका बाप क्या चाहता है। डोंडोमल रिक्शे से उतरकर रामू के पास जाकर कहता है, क्यों अपनी जवान बेटी से इस तरह खेत में काम करवा रहा है रामू? ये तो हवेलियों में रहने लायक है, पर ऐसा तभी हो सकता है जब इसकी शादी मेरे घर हो जाए। ये मेरे घर बहू बनकर आ जाए तो तुम लोगों के कष्ट कट जाएंगे। पर मैंने अभी इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। अच्छा तो सोच लो, किसने मना किया है? तुम्हारे पास शाम तक का वक्त है, मैं शाम को आता हूँ तुम्हारे घर, तब तक तुम सोच लो। रामू ये बात जब अपने घर जाकर अपनी पत्नी झिल्ली को बताता है तो झिल्ली की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं रहता। अपनी बेटियों को बहुत बेटा बना लिया तुमने, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। इतने बड़े घर में रिश्ता आने का मतलब समझ रहे हो तुम? भगवान खुद चाहते हैं कि तुम्हारी बेटी उस घर में ब्याह कर जाए। अब ज्यादा चूचापड़ मत करना और शादी के लिए हाँ कर देना। कुछ ही देर बाद डोंडूमल वहाँ आता है। अपनी पत्नी की जिद के आगे रामू हार कर शादी के लिए हाँ कर देता है। तो खातिरदारी में कितने पैसे लगा रहे हैं आप लोग? हम तो गरीब आदमी है सेठ, हम क्या ही खातिरदारी कर पाएंगे आपकी। मुझे गवार समझा है क्या? तुम जैसे गरीबों के घर से बेटी भी ब्याह कर ले जाऊं और खर्चा भी मैं ही करूं? यहाँ तो लड़की के घर वाले 20-25 लाख रुपए दहेज देने को तैयार है। ये तो तुम्हारी बेटी मुझे अच्छी लगी तो सोचा कि 5 लाख ही लूँगा बस, पर तुम लोग तो पूरी तरह बचकर निकलना चाहते हो। अरे नहीं दे पाओगे तो छोड़ दो, नहीं करना ऐसा रिश्ता। नहीं नहीं मालिक, ऐसा मत कहिए, आप बस मना मत कीजिएगा। 5 लाख जमा करने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े हम करेंगे, अपने बच्चों के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं। और सुकन्या का रिश्ता बड़े घर में जोड़ने के लिए रामू अपनी जमीन गिरवी रखकर 5 लाख नगद डोंडोमल को दे देता है और शादी की तारीख निकाली जाती है। शादी के दिन दूल्हे की जगह पर डोंडोमल को बैठा देखकर सभी चौंक जाते हैं। ये सब क्या है मालिक? रिश्ता तो आपके बेटे से तय हुआ था ना, फिर आप? अरे जब मेरी ही शादी नहीं हुई तो मेरे बेटे का रिश्ता कैसे तय होगा तुम्हारी बेटी के साथ? तुम्हारी बेटी का रिश्ता मैं लेकर आया था मेरे ही लिए। तो फिर मोनू कौन है? वो तो मेरा नौकर है। चलो सुकन्या, हमें नहीं करनी ऐसी शादी,
मैं अपनी बेटी को धर्म धक्का नहीं दे सकता। नहीं बाबूजी, अब मैं मंडप पर बैठ चुकी, यही मेरे पति बनेंगे। मुझे कोई एतराज नहीं है, वैसे भी आपने मेरे लिए पहले ही बहुत बड़ी कुर्बानी दे दी है। अब मैं आप पर और बोझ नहीं बनना चाहती। गांव में एक लड़की के बारात के वापस जाने को अच्छा नहीं माना जाता। जिस लड़की की बारात लौटी हो उस घर में कभी कोई अपने बेटे का रिश्ता लेकर नहीं जाता। समाज के दबाव में और अपनी बहनों के बारे में सोचकर सुकन्या को डोंडोमल से शादी करनी पड़ जाती है। पर यह सब यहाँ खत्म नहीं होता। सुकन्या विदा होकर डोंडोमल के घर जाती है, जहाँ वो देखती है कि डोंडोमल के घर पर पहले से ही एक औरत बैठी थी। जी, ये कौन है? आए हुए 2 मिनट नहीं हुए और ये सब जानना इसे? ये तुम्हारी सौतन है, ये जो कहेगी वही करना होगा तुम्हें, समझी तुम? ये सुनते ही सुकन्या के पैरों तले जमीन घिसक जाती है। मुझे चाहिए थी एक नौकरानी जो मेरे साथ साथ सासु माँ का भी ख्याल रख सके, तो हमारे होशियार पति देव तुम्हें ले आए। अब जाओ चाय बना कर ले आओ, क्योंकि यहाँ कोई तुम्हारा गृह प्रवेश नहीं करने वाला। जी दीदी। नयनतारा की बात सुनने के बाद सुकन्या रसोई में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। मेरी क्या गलती है भगवान जी, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ। मैं बाऊ जी को इस बारे में बता भी नहीं सकती, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मुझे अब इसी को अपना जीवन बनाकर जीना होगा। रोती हुई सुकन्या चाय बनाकर सभी के लिए लेकर बाहर आती है। चाय का पहला घुट पीते ही नयनतारा गर्मा गर्म चाय सुकन्या के ऊपर फेंक देती है। गरीब के घर से आई लड़की, तुझसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है? ऐसा चाय तुम भिखारियों के घर बनता होगा, जिसमें चाय तो घुट पर नहीं, लगता है चाय पत्ती खौला दी हो। अब रो क्यों रही हो? जाओ फिर से बना कर ले आओ चाय और नाश्ता भी। जी दीदी, अभी लाती हूँ। सुकन्या सभी के लिए चाय नाश्ता बनाकर घर की सफाई कर रही होती है, तभी बेला एक ढेर कपड़े लाकर उसके सामने रख देती है। ये लो कपड़े, कितने दिनों से धुले नहीं है, अच्छे से धोना, एक भी दाग रह गया ना तो चमड़ी उधेड़ दूंगी। मुश्किल से 2 दिन ही हुए थे सुकन्या को दुल्हन बने कि डोंडोमल सुकन्या से कहता है, बहुत बड़ी गलती हो गई, इस लड़की को ब्याह करके लिया। 5 लाख में आज के ज़माने में होता ही क्या? 10 लाख तो हमने शादी में ही खर्च कर दिया, नुकसान हुआ 100 लाख और इसे खिलाने का खर्चा लग, मुफ्त की रोटियां तोड़ती है दिन भर। ये कहता हुआ डोंडोमल सुकन्या को एक थप्पड़ मारता है। नयनतारा भी उठ खड़ी होती है और सुकन्या को घसीटती हुई घर के बाहर निकाल देती है। मेरे पति का दिमाग खराब करती है तू, निकल जाए इस घर से, और अगर 10,000 रुपये लेकर नहीं आई तो वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझी तू? सुकन्या के चेहरे पर घर का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। सुकन्या रोती हुई सड़क पर इधर उधर भटक रही होती है, तभी इत्तेफाक से उसे उसकी माँ वहाँ मिल जाती है। सुकन्या सारी बात अपनी माँ को बताती है। कोई बड़ी बात नहीं है, सभी बहुओं के साथ ऐसा होता है, तुझे अक्ल है कि नहीं? उन्होंने तुझे निकाला और तो निकल कर घर वापस आ गई। एक लड़की का घर उसका ससुराल ही होता है, मायका नहीं। ये ले मेरी चुड़िया, दे देना उन्हें, और कुछ भी हो उस घर को छोड़ना मत। और यहाँ झिल्ली एक बहुत बड़ी गलती कर देती है। वो अपने हाथ से सोने के कंगन को उतार कर बेटी को दे देती है। सुकन्या से 5 लाख के बाद सोने के कंगन पाने के बाद भी इस ससुराल वालों के मन का लालच कम नहीं होता पर बढ़ जाता है, और ये सिलसिला अब हर रोज का हो जाता है। वो आए दिन सुकन्या के परिवार वालों से कुछ न कुछ दहेज मांगते रहते और दहेज ना मिलने पर सुकन्या के साथ जानवरों जैसा बर्ताव शुरू कर देते। एक दिन जब सुकन्या रसोई में काम कर रही होती है, दरवाजे पर दस्तक होती है। सुकन्या दरवाजा खोलती है तो सामने रामू और कुछ पुलिस वालों को खड़ा पाती है। दहेज लेना अपराध है, शायद तुम ये भूल गए डोंडोमल, शादी और सुहाग गया भाड़ में, समाज क्या सोचेगा, मेरी बेटी से कौन शादी करेगा, इस कारण मैं अपनी बच्ची को इस आग में और नहीं जला सकता। रामू सुकन्या को वापस अपने घर ले जाता है और दहेज मांगने के इल्जाम में डोंडोमल को पुलिस वाले गिरफ्तार कर लेते हैं।
अब रामू अपनी पत्नी की एक नहीं सुनता और अपने सारे पैसे अपनी बेटियों को काबिल बनाने में लगा देता है। सुकन्या एक टीचर बनके शहर के स्कूल में नौकरी पा लेती है और अपनी बाकी बहनों का खर्चा उठाना शुरू कर देती है। रामू के उठाए कदम के कारण गांव वालों को समझ में आ जाता है कि बेटियों को दहेज देने से उनका जीवन खुशहाल नहीं होगा, उन्हें काबिल बनाने से उनका जीवन खुशहाल होगा।